हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन शुभम्स कुक बुक। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ राजमा मसाला बनाने की रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राजमा मसाला। इसके लिए मैं यहाँ पे एक कप यानी कि 250 ग्राम राजमा ले रही हूँ। और इतने राजमा से चार लोगों के लिए राजमा मसाला आसानी से बन जाएगा। तो इसके लिए राजमा को सबसे पहले रात भर या 8 से 10 घंटे पानी में भिगो देंगे। पानी की क्वांटिटी आप राजमा से चार गुनी लें। जैसे कि एक कप राजमा लिया है तो उसके लिए चार कप पानी में इसे भिगो देंगे ताकि राजमा को फूलने के लिए पानी कम न पड़े और राजमा अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। और उसके बाद फूले हुए राजमा को फ्रेश पानी के साथ 3 से 4 सीटी आने तक थोड़े से नमक के साथ उबाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे उबलने के बाद राजमा इस तरह से दिखेगा, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। याद रखिए कि राजमा अगर अच्छे से सॉफ्ट बॉईल नहीं होगा तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसे आप अच्छे से बॉईल कर लें। और इसके अलावा हमें इसे बनाने के लिए बटर चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर तेल भी ले रही हूँ बटर के साथ ऐड करने के लिए, ताकि बटर जले ना जब हम कढ़ाई में डालें। मसालों में यहाँ पर 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। और 2 बड़े चम्मच राजमा मसाला पाउडर लेंगे। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और गार्निश करने के लिए हरा धनिया लेंगे। इसके अलावा हमें प्याज, लहसुन और अदरक की प्यूरी और साथ ही टमाटर की प्यूरी चाहिए। तो इसके लिए एक बड़े आकार के प्याज को, 2-3 लहसुन की कलियों को और 1 इंच अदरक के टुकड़े को 1 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है। और उसके बाद इसे ठंडा करके इसकी प्यूरी बनाएंगे। प्याज को बॉईल करके इसकी प्यूरी बनाने से ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। साथ ही यहाँ पे 3 टमाटर को मैंने ब्लांच कर लिया है। और उसके बाद इसके छिलके हटा के इसे भी ठंडा करके इसकी भी प्यूरी बनाएंगे। तो चलिए अब राजमा मसाला बनाना शुरू करते हैं। एक पैन को गरम करें और उसमें ये सबसे पहले तेल को डालें और फिर ये बटर डालें। और जैसे ही बटर थोड़ा सा पिघलने लगे उसमें ये नमक और जो सूखे मसाले हैं हमारे राजमा मसाला के अलावा, वो हम डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसे 5-7 सेकेंड भूनेंगे। और फिर ये प्याज, लहसुन और अदरक की जो हमारी प्योरी है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा रिड्यूस होने तक पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए अगर भुनेंगे तो लगभग 7-8 मिनट में ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम ये जो टमाटर की प्योरी बना के रखी है उसे ऐड करेंगे और इसे भी फिर चलाते हुए हम 8-10 मिनट तक और पका लेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई से तेल ना छोड़ने लगे। और टमाटर की प्यूरी डालने के बाद लगभग 5 मिनट तक मैंने इसे पकाया है और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब इसमें हम ये राजमा मसाला पाउडर डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिला दें। और फिर इसे अगले 2-3 मिनट तक और हम मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें राजमा मसाला पाउडर की जगह खड़े मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज पत्ता वगैरह। मगर पर्सनली मैं इसमें पाउडर फॉर्म ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कई बार राजमा खाते वक्त खड़े मसाले मुंह में आ जाते हैं, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। और यहाँ पे देखिए, ये मसाला हमारा भून के एकदम रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम ये बॉईल किया हुआ राजमा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मसालों के साथ मिला दें। राजमा को मैंने पानी के साथ ही ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने भिगोने के बाद जो पानी बचा था उसको फेंक के फ्रेश पानी के साथ इसको बॉईल किया था। तो आप इसे ऐड कर सकते हैं इसमें और इसे फिर आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे पराठों के साथ खाना है या राइस के साथ खाना है, उस हिसाब से इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर लें इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को। मैं यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग 1.25 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और इसमें हम एक बॉयल आने तक इसे पकाएँगे और ये हमारा राजमा मसाला रेडी हो जाएगा। और यहाँ देखिए, एक बॉयल इसमें आ गया है। तो अब हमारा राजमा मसाला एकदम रेडी है। बस इसमें हम अब बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे और कुछ 30 सेकंड तक और इसे हम पका लेंगे, ताकि धनिया का फ्लेवर भी राजमा में अच्छे से मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी सीक्रेट रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा मसाला बनाने की। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करिए और आप रेस्टोरेंट से भी अच्छा राजमा मसाला घर पे बना के उसे जीरा राइस या प्लेन राइस या फिर नान पराठों किसी के साथ भी इंजॉय करिए। ये देखिए, हमारा राजमा मसाला एकदम से रेडी हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे सभी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा थैंक यू। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई अपलोड का पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।